22 वर्ष पहले चालू कर दिया गया था। जितने भी शासन प्रशासन जो वर्तमान समय में सत्ताधीन है और तत्कालीन समय में सत्ताधीन थे, उनके द्वारा हमेशा से गरीब मजलूम और जो शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग है, उनको प्रताड़ित किया जाता था। निजीकरण करके सबसे शुरुआत LPG सिस्टम से किया गया, अभी तत्कालीन बजट में PPP प्रोजेक्ट लाया गया है। और इन तमाम चीज़ों से जो आज के युवा हैं जो रोजगार करना चाहते हैं, तृतीय वर्ग चतुर्थ वर्ग सरकारी संस्थानों में रोजगार करना चाहते हैं, समाप्त कर दिया जा रहा है। रेलवे का निजीकरण किया गया, उससे पहले BSNL, NTPC, रेल सेल आदि प्रकार के जो निजी सरकारी संस्थान थे, उन सभी को निजीकरण करके पूरा तबाह कर दिया गया है। देश बेचने का सिस्टम किया जा रहा है। इसके विरोध में आज हम सर्वदलीय सर्व सामाजिक संगठन मंच के द्वारा हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। राष्ट्रपति जी के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन देंगे कि इस प्रकार का भर्राशाही तानाशाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निजीकरण, जैसा कि एक रेल है तेजस नाम का, वो तेजस ट्रेन को भी निजीकरण कर दिया गया है। IRCTC, आपके मीडिया में जो भी मुझे देख रहे हैं उन सभी से मैं पूछना चाहूँगा कि IRCTC का वो खाना खाते हैं उनको कैसा महसूस होता है, एक बार बता दें। IRCTC का जो खाना है वो बहुत ही निम्न कैटेगरी का है निजीकरण के कारण, और निजीकरण के कारण भविष्य में हमारा देश का स्थिति ऐसा होगा कि यहाँ का जो युवा है वो दर दर के भटकने के लिए, मतलब उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगा, और आम नागरिक मतलब सभी वर्ग इससे परेशान होंगे। सभी को समझना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, निजीकरण के विरोध में आंदोलन करना पड़ेगा। निजीकरण होने से हमारा देश गर्त में चला जाएगा।